नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन गुप्ता प्रकाश ऑफसेट कंपनी से। हम लोग पेपर कप मशीन बनाते हैं। आज मैं आपको पेपर कप मशीन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि पेपर कप मशीन से कितने प्रकार के कप एक मशीन से बनाए जा सकते हैं। आइए तो जानते हैं पेपर कप मशीन के बारे में। इसको हम ब्लैंक बोलते हैं और ये हमारे को पहले फीडर में लगाना पड़ता है। लगाने से पहले पेपर को गीला करके मॉइस्चर करके फिर लगाना होता है। पेपर कप को फीडर में लगाने के बाद में पहला स्टेशन आता है फोल्डिंग का, जहाँ पे पेपर क्यूब की फॉर्म ले लेता है। ये पेपर कैरी फॉरवर्ड होके रोबोट के माध्यम से रोटरी टेबल में लगाया जाता है। इस रील को हम बॉटम बोलते हैं। इससे बॉटम पंच होकर हमारे को मिलता है यहाँ पे। जो ट्यूब वहाँ से आई रोटरी पे, यहाँ पर इस रील में से बॉटम पंच होकर उस ट्यूब के साथ जुड़ जाता है कप बनाने के लिए। इस मशीन की खासियत यह है कि इसमें किसी एयर कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर बॉटम सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मशीन के साइज़ को डिफाइन करने में। जैसे अभी करंट में इस मशीन के ऊपर में हमने 57 का बॉटम चला रखा है, तो उससे हम 85 ml से 250 ml तक के कप बना सकते हैं। यानी कि एक मशीन से अमूमन आप 4 से 5 वैरायटी के लेंथ में कप बढ़ा सकते हैं। जनरली कप को लंबा और छोटा करने के लिए हम लोग 1, 2 और 3, ये तीन चीज़ें 8 नंबर में आपको एक्स्ट्रा डाई के सेट में देते हैं, जिससे कि आप कप को छोटा या लंबा कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अभी 57 का बॉटम चल रहा है, तो 57 के बॉटम के साथ हम लोग 85 ml से 250 ml तक जा सकते हैं। अभी करंट में इसमें 110 ml का कप बन रहा है। रोटरी के बाद में ये तीन स्टेशन है, 1, 2 और 3, इनको हम प्री हीट स्टेशन बोलते हैं। प्री हीट में जहाँ पे पेपर कप गर्म किया जाता है। ये नर्लिंग स्टेशन है, यहाँ पे नर्लिंग की मदद से बॉटम और ट्यूब को सील कर दिया जाता है, जिससे आपकी लीकेज ना हो। लास्ट स्टेशन हमारा कर्लिंग स्टेशन है, जिसमें ऊपर की रिंग बनाई जाती है जो कि पेपर कप को स्ट्रेंथ देती है। ये फाइनल स्टेशन है डिलीवरी, जहां पे पेपर कप इकट्ठा हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा पेपर कप के साइज़ के बारे में। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 57 के बॉटम से हम लोग 85 ml से 250 ml तक जा सकते हैं, वैसे ही अभी ये 50 का बॉटम है। 50 के बॉटम में ये 50 ml का कप है, ये 85 ml का कप है, ये 140 ml का कप है। ये इसकी अब इससे बड़ा अगर ये कप होगा तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको देखने में। इसीलिए हम कहते हैं कि मिनिमम से मैक्सिमम एक
कप के पैंदे से आप डिफाइन कर सकते हो कितने ml तक जा सकते हो। इसी तरीके से ये 65 का बॉटम है, 65 के बॉटम में हम लोग 110 ml से लेके 300 ml तक जा सकते हैं। ये 140 ml है, ये 200 ml है, ये 250 ml का कप है। इसी तरीके से हम लोग इसमें 300 ml तक जा सकते हैं। आपकी जानकारी के मैं कुछ तरीके के पेपर ब्लैंक्स आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ये 240 ml का 65 का बॉटम है, ऐसे कई सारे डिफरेंट साइज़ के, ये 300 ml है, ये 300 ml है, ये 140 ml है, ये सारे 65, 57, 50 के बॉटम के हिसाब से ब्लैंक्स हैं। हम लोग ब्लैंक के अंदर में प्लेन भी ले सकते हैं और प्रिंटेड भी ले सकते हैं, जैसा जिस कस्टमर को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। जितने वॉल्यूम आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से ही कप की कॉस्ट आती है। अमूमन एक कप के अंदर में अगर आप 5 लाख से ऊपर की क्वांटिटी रखते हैं तो आपकी 2 रुपये किलो की प्रिंटिंग की कॉस्ट आती है, 2 कलर की। और ब्लैंक जो है वो आपको 2 रुपये किलो सस्ता मिलता है अगर प्लेन है तो। आपको इस मशीन के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप ईमेल, व्हाट्सएप या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं नवीन गुप्ता, प्रकाश ऑफसेट से, धन्यवाद।